evidences that proves that DNA is the main hereditary material. So DNA is the main hereditary material. This is first evidently proved by Avery, MacLeod and McCarty by conducting the transformation, by conducting the transformation process, transformation, okay, in Diplococcus pneumoniae bacteria. Jabki iska jo final evidence hai, jo 1952 mein aaya hai, first kab aaya 1928 mein. So in 1952, the final evidence given by Hersey and Chase with the help of radio tracer technique. Tick, copper in T2 bacteriophage. Tick, T2 bacteriophage, yani virus by using S35. P32 क्या ये रेडियो आइसोटोप्स है, ये यूज किया है. वैसे तो बेटे बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीन मेथड है भाई. बोलते तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्चुअल में वो है क्या, पैरासेक्सुअल साइकिल. और पैरासेक्सुअल साइकिल in bacteria that has been discovered by Ponton Corvo. और होता क्या है parasexual cycle? ठीक है, होता क्या है parasexual cycle by Ponton Corvo. ठीक, ये है क्या, all the cyclic event, यानी all those cyclic events which comes alternately during the reproduction in bacteria is just like sexual reproduction, but no formation and fusion of gametes, only fusion of genetic material takes place, known as parasexual cycle. यानी बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहां पर गैमेट का फॉर्मेशन और फ्यूजन तो नहीं होता, केवल जो बैक्टीरिया है उसके जेनेटिक मटेरियल का फ्यूजन होता. और आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में भी पढ़ा है, ठीक है, वहां पर पढ़ा है प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और एम्फीमिक्सिस. प्लाज्मोगेमी यानी स्पर्म और ओवम के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन. फिर दूसरा कैरियोगेमी यानी स्पर्म और ओवम के न्यूक्लियस का फ्यूजन. और थर्ड है एम्फीमिक्सिस, दैट इज द फ्यूजन ऑफ मेल क्रोमोसोम एंड फीमेल क्रोमोसोम, एम्फीमिक्सिस. तो ये एम्फीमिक्सिस बैक्टीरिया में होता है, प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी नहीं होता, केवल एम्फीमिक्सिस होता है, इसलिए इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया कहते हैं. यानी रियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा है, दिखता है लेकिन है नहीं, इसलिए पैरासेक्सुअल साइकिल. जैसे मेडिकल, मेडिकल यानी जहां पर बीमारियों का इलाज होता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर करता है. और इसी का दूसरा पार्ट आता है पैरा मेडिकल, जिसमें डिसीज का डायग्नोसिस जैसे पैथोलॉजी लैब्स है या फिजियोथेरेपी है या आर्टिफिशियल हैंड है, फीट है जो बनते हैं, ये सब पैरामेडिकल में आता है. ठीक, तो इनके पहला देखते हैं है ना इविडेंस, कौन सा फर्स्ट इविडेंस है, फर्स्ट इविडेंस है वो है, दिस इज द फर्स्ट इविडेंस. ठीक, बा एवेरी MacLeod एंड
मैक कार्टी क्या किया? दिस इज द इन दोनों ने इन तीनों ने कंडक्टेड द ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट इन द डिप्लोकोकस न्यूमोनाई बैक्टीरिया. दिस इज द कंडक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट इन किसमें? डिप्लोकोकस न्यूमोनाई बैक्टीरिया. डिप्लोकोकस न्यूमोनाई बैक्टीरिया में एक्सपेरिमेंट करना. वास्तव में यही चीज, ठीक है, बिफोर इट, इसके पहले, ठीक है, कौन से बेटे? फ्रेडरिक कौन सा है? ग्रिफिथ आल्सो कंडक्टेड इट. देयरफॉर ट्रांसफॉर्मेशन इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन को और क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन को हम ग्रिफिथ इफेक्ट भी कहते हैं. वी कॉल इट ग्रिफिथ इफेक्ट भी कहते हैं. यह ध्यान. अब बेटा एक्चुअल में क्या होता है, जो डिप्लोकोकस न्यूमोनाई बैक्टीरिया है दैट इन्फेक्ट टू ह्यूमन एंड कॉजेस द निमोनिया डिसीज. क्लियर हुआ? यानी ये जो डिप्लोकोकस न्यूमोनिया है इन्फेक्ट टू ह्यूमन, ठीक है, एंड कॉजेस कौन सा डिसीज कॉज करता है? न्यूमोनिया यानी रेस्पिरेटरी डिसीज कॉज करता है. ठीक. यहां पर बेटे एवेरी मैक्लियार्ड और मैककार्टी इन्होंने बेटे दो स्ट्रेन किया है ना, ये जो तीनों है, ठीक है, एवेरी और कौन सा है? मैक्लियार्ड एंड कौन सा? मैककार्टी. क्या किया है? चूजन टू स्ट्रेन ऑफ डिप्लोकोकस के दो स्ट्रेन को चूज किया. कौन कौन से बेटे? पहला है, दिस इज द वायरुलेंट स्ट्रेन, जिसे हम क्या बोलते हो? एस थर्ड कहते हैं. या इसी के एस का मतलब है, एस फॉर होता है स्मूथ स्ट्रेन होता है, ठीक है. वायरुलेंट यानी ये जो है इन्फेक्ट करके निमोनिया डिसीज कॉज करता है, यानी दिस इज द इन्फेक्ट करता है और क्या करता है? कॉजिंग न्यूमोनिया, ठीक है, ये डिसीज कॉज करता है. और दूसरा जो है, ठीक है, अब इसमें क्या है? एस लिखा हुआ है. आपको मालूम है जब बैक्टीरिया का डायग्राम देखते हो, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया के क्या ये सेल वॉल है, ठीक, और सेल वॉल के नीचे क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. और ये इसका, दिस इज द डीएनए है. तो जो वायरुलेंट स्ट्रेन है ना डिप्लोकोकस के, इसमें बेटे सेल वॉल के चारों ओर ये क्या पाया जाता है? ये ओलिगोसेकेराइड पाया जाता है. ये क्या है? ओलिगोसेकेराइड. और इसके कारण इसके चारों ओर क्या बन जाते हैं? स्मूथ क्या बनते हैं? कैप्सूल बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके सेल वॉल के चारों ओर स्मूथ
क्या बनते हैं ग्लिस्टिनिन, ग्लिस्टिनिन क्या बन गया कैप्सूल बन गया, इसीलिए इसे हम एस स्ट्रेन या स्मूथ स्ट्रेन, लेकिन ये निमोनिया डिसीज कॉज करता है। और इसी का जो दूसरा स्ट्रेन लिया है वो है नॉन वायरुलेंट है, नॉन वायरुलेंट, और नॉन वायरुलेंट का आर सेकेंड है, और यहां पर आर का मतलब है रफ होता है, आर का यानी ये जो स्ट्रेन है ठीक है नेवर कॉसेस निमोनिया डिसीज, ठीक है यानी डू नॉट कॉज, क्या कॉज नहीं करता न्यूमोनिया, क्योंकि लिखा हुआ है नॉन वायरुलेंट है ठीक। और इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि यदि हम ये बैक्टीरिया बनाए ये दिस इज द सेल वॉल और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये इसका डीएनए है ठीक, और ये इसमें साइटोप्लाज्म है, ये इनका साइटोप्लाज्म, लेकिन इनके आउटर सरफेस पर समझ रहे किसके ओलिगोसेकेराइड नहीं होते हैं ठीक है, यहां पर है ड्यू टू किसके कारण ओलिगो सेकेराइड, ओलिगो सेकेराइड्स के कारण, लेकिन ये रफ है इसके आउटर सरफेस पर ओलिगो सेकेराइड का कैप्सूल नहीं होता है, इसलिए नो क्या नहीं है ग्लिस्टेनिन या ग्लिस्ट्रिन कैप्सूल नहीं है, इसलिए इसके आउटर सरफेस क्या हो गया है रफ हो गया, समझ रहे। तो ये एवेरी मैकलियर्ड और मैकार्टी इन्होंने डिप्लोकोकस निमोनियाई के ये दो स्ट्रेन चूज किया, ये डिसीज कॉज करता है निमोनिया ये नहीं करता। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, इन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, ध्यान रहे नोट्स में नहीं है रिमेंबर दैट, क्या किया इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया है इन माइस में किया है, इसमें चूहे ने कराया है, क्या किया सबसे पहले इन्होंने जो वायरुलेंट यानी एस थर्ड बैक्टीरिया के सस्पेंशन को चूहे में इंजेक्ट करा और देखा कि वो जो माइस है इंफेक्टेड हो गया, निमोनिया डिसीज से इंफेक्टेड हो गया और मर गया। तो पहला एक्सपेरिमेंट देखिए वो है इंजेक्टेड, इंजेक्टेड सस्पेंशन ऑफ एस थर्ड इनटू माइस, ठीक है तो क्या हुआ माइस जो है इन्फेक्टेड बाय, किससे इन्फेक्टेड हो गया न्यूमोनिया से इन्फेक्टेड हो गया और इनका क्या हो गया मर गया, क्योंकि चूहे का कोई अस्पताल लिए जाके वहां से है ना निमोक्स वगैरह टेबलेट लेगा निमोनिया के लिए ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया इंजेक्ट, इंजेक्ट क्या इंजेक्ट किया ये ध्यान रखना आर टू ठीक है सस्पेंशन इनटू माइस, पहले बेटे इसका लाइफ सस्पेंशन है, कौन सा है लाइफ सस्पेंशन, और ये भी कौन सा है लाइफ सस्पेंशन जीवित बैक्टीरिया को डाल। अब दूसरा आर टू को जो जीवित बैक्टीरिया का सस्पेंशन है उसे चूहे में डाल, तो देखा कहां पर है नो इन्फेक्शन यानी नो न्यूमोनिया,
निमोनिया नहीं हो गया और माइस जो है क्या है एलाइव है। फिर क्या किया तीसरा एक्सपेरिमेंट, ये जो एस थर्ड है, ये जो एस थर्ड है इसको हीट किल कर यानी गर्म करके मार दिया, फिर इसके सस्पेंशन को माइस में इंजेक्ट करा तो माइस में कोई निमोनिया नहीं हुआ और माइस रिमेन एलाइव। ठीक है, यानी इंजेक्ट क्या बेटे हिट किल एस थर्ड, ठीक है, सस्पेंशन इन टू माइस में डाल, यानी क्या हुआ नो निमोनिया और चूहा क्या है एलाइव है क्योंकि बैक्टीरिया मर गया। अब तीन एक्सपेरिमेंट के बाद चौथा एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया इसको हिट किल्ड किया एस थर्ड को और इसको एलाइव लिया, दोनों को मिलाकर चूहे में डाला यानी इंजेक्ट मिक्सचर आ क्या बेटे हिट किल्ड एस थ्री एंड ठीक है एलाइव आर टू। ठीक है तो क्या हुआ अब तो ये मरा हुआ है नहीं, ये मरा हुआ है ये जीवित है, दोनों को मिलाकर चूहे में डाल दिया तो क्या हुआ माइस जो है इंफेक्टेड बाय निमोनिया से ग्रसित हो गया और इनका क्या हो गया डेथ हो गया। समझ रहे ये है, लेकिन जब इस मरे चूहे इस डेड रेट के है ना ब्लड को निकालकर एनालिसिस किया तो देखा कि उस डेड रेट में एस थर्ड मौजूद थी जीवित, अजीब नहीं लग रहा भाई ये मरा हुआ है ये जीवित है, इन दोनों को मिलाकर डाल चूहे में तो चूहे में निमोनिया हो गया और वो मर गए, लेकिन जब उस डेड रेट का एनालिसिस किया तो उसके बॉडी से ये भी मिला जीवित और ये जीवित मिला। मतलब समझ रहे मतलब ये है कि इस डेड बैक्टीरिया के जो डीएनए है वो आर टू को एस थर्ड में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ठीक है, यानी लेटर ऑन क्या किया एनालाइजेस टू डे इन्फेक्टेड किसको बेटे माइस एंड फाउंड क्या मिला उसको एस थर्ड एलाइव इन माइस। इसी को तो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, यानी हुआ क्या है इस डेड हिट किल डेड हिट किल वायरुलेंट बैक्टीरिया के द्वारा ये जो नॉन वायरुलेंट है ये वायरुलेंट में चेंज हो गया है, इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। दिस इज द कन्वर्सन ऑफ डेफिनेशन लिख लीजिए, डेफिनेशन जल्दी करिए, द कन्वर्सन ऑफ नॉन वायरुलेंट आर टू स्ट्रेन, द कन्वर्सन ऑफ नॉन वायरुलेंट आर टू स्ट्रेन ऑफ डिप्लोकोकस इनटू एस थर्ड वायरुलेंट स्ट्रेन इनटू एस थर्ड वायरुलेंट स्ट्रेन बाय हिट किल्ड डेड एस थ्री बैक्टीरिया, डेड हिट किल्ड एस थ्री स्ट्रेन बैक्टीरिया
known as transformation. तो एक्चुअल में हुआ क्या है बेटे, बैक्टीरिया डिसीज कॉज नहीं कर रहा है। अगर इनका कंक्लूजन निकाले इस पूरे एक्सपेरिमेंट का, तो डिसीज कॉज करने का जो प्रॉपर्टी है वो किसमें है बेटे, इस बैक्टीरिया के डीम। भाई बैक्टीरिया को हमने मार दिया तो बैक्टीरिया तो मर गया था, तो ये जो नॉन वायलेंट है वायलेंट में कैसे चेंज हुआ। एक्चुअल में जो डिसीज कॉज करने का जो प्रॉपर्टी है वो किसमें, इसके डीएनए में, इसके डीएनए में, और वही डीएनए ये इसके डीएनए को मॉडिफाई कर, ठीक है। तो यहां पर निमोनिया डिजीज कॉज करने की जो प्रॉपर्टी इसके डीएनए में, चाहे बैक्टीरिया जीवित रहे या मरे इसके डीएनए में, और वही डीएनए इस आर टू को एस थर्ड में कन्वर्ट कर दिया है, और ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि डीएनए इज द हेरिडेटरी मटेरियल। सेकेंड एविडेंस, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन, राइट डाउन डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम प्लस स्ट्रेन यानी मेल बैक्टीरिया टू माइनस स्ट्रेन यानी फीमेल बैक्टीरिया थ्रू द कॉन्जुगेशन ट्यूब नोन एज कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन प्रोसेस की खोज किसने की है, ये किया बेटे बीडल, बीडल ए टेटम ने 1946 में किया, ठीक है। और इसमें क्या होता है बेटे, कहां पर किया है, ई कोलाई बैक्टीरिया, समझ रहे हैं, इसेरेचिया कोलाई बैक्टीरिया। हमको मालूम बेटे जो ई कोलाई है रिप्रोड्यूस बाय कॉन्जुगेशन, रिप्रोड्यूस बाय कॉन्जुगेशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए, ये ई कोलाई बैक्टीरिया कैन ग्रो इजिली इन मिनिमल कल्चर मीडियम यानी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट मीडियम, यानी इट कैन ग्रो इन, किसमें ग्रो कर सकता है, मिनिमल कल्चर मीडियम, ठीक है, एंड सिंथेसाइजेस, सिंथेसाइजेस द किसको बेटे, नेसेसरी विटामिन्स, ठीक है, विटामिन, यानी मिनिमल कल्चर मीडियम यानी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट मीडियम में भी ये ई कोलाई ग्रो कर सकता है और जो आवश्यक विटामिन है उसका सिंथेसिस करता है। लेकिन बेटे यहां पर, ठीक है, दो स्ट्रेन है यहां पर, देयर आर, समझ रहे, देयर आर टू, क्या है, म्यूटेटेड स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई है, म्यूटेटेड यानी जिसमें म्यूटेशन हो चुका है, वो कौन कौन से टू स्ट्रेन है बेटे, ये देखिए, इनमें से पहला है स्ट्रेन ए या फर्स्ट के, और ये एट एस किसका काम करता है, मेल आर प्लस स्ट्रेन का काम करता है, और दूसरा है स्ट्रेन बी है, ये किसका काम करता है, एट एस फीमेल या जिसे हम माइनस स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। कौन से स्ट्रेन है, म्यूटेटेड स्ट्रेन, म्यूटेशन हुआ है। अब ये कैसा है, ये देखिए, इस स्ट्रेन का जो जेनेटिक कंपोजिशन है, म्यूटेटेड स्ट्रेन ए का जो जेनेटिक कंपोजिशन है वो है मेल माइनस बायो माइनस
Thio plus leucine plus और थायो प्लस, ये दो माइनस है और ये दो प्लस है, यानी इस म्यूटेटेड स्ट्रेन में थायोनाइन, ल्यूसीन और थायोनाइन, 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 ल्यूसीन और थायोनाइन, इन तीनों विटामिन सिंथेसिस करने के लिए नेसेसरी जीन है, लेकिन इसमें मिथियोनाइन और बायोटिन विटामिन सिंथेसिस के लिए जीन नहीं है, ठीक। जबकि म्यूटेटेड स्ट्रेन बी लिए हैं, इसमें क्या है, इसमें है ए सॉरी इसमें प्लस है, प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस, ये मेन लिए है। और दूसरा बी स्ट्रेन लेते हैं, उसमें मेन निगेटिव है, बायो निगेटिव है, लेकिन जो थायोनाइन के जीन है, ल्यूसीन के जीन है और थायोनाइन के जीन है, ठीक है, ये म्यूटेटेड स्ट्रेन है। ये म्यूटेटेड स्ट्रेन अगर इसे हम न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट मीडियम, कल्चर मीडियम जिसमें मिनरल्स नहीं है, न्यूट्रिएंट नहीं है, उसमें ग्रो करते हैं, तो ये केवल इन दो विटामिनों का सिंथेसिस करता है, लेकिन इन तीनों का सिंथेसिस नहीं करता है, ठीक है। तो वे क्या करना है, ग्रो इन मिनिमल किसमें, कल्चर मीडियम, ठीक है। तो कांट सिंथेसाइज द क्या बेटे, नेसेसरी विटामिन्स, ठीक है, नेसेसरी विटामिन्स, कौन से विटामिन्स नहीं बनाएगा, मिथियोनाइन, ये ऐसे करें, कांट ग्रो कर लीजिए, कांट ग्रो एंड कांट सिंथेसाइजेस, क्या बेटे, नेसेसरी विटामिन्स नहीं बना, क्योंकि ये दो नहीं है। अब ये बेटे, तो इसके लिए क्या बेटे, भाई वेन इसको हम मिनिमल कल्चर मीडियम में ग्रो करते हैं, तो ये उस मिनिमल कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं कर पाता और नेसेसरी विटामिन का सिंथेसिस नहीं कर पाता, ठीक। यहां पर आगे देखिए, इट कैन ग्रो एंड सिंथेसाइजेस, ठीक है, किसको, नेसेसरी विटामिन्स ओनली वेन क्या बेटे, मिथियोनाइन एंड बायोटिन एडेड फ्रॉम, कहां से, एक्सटर्नल, एडेड एक्सटर्नली कर, एडेड एक्सटर्नल, समझ रहे भाई, ये म्यूटेटेड स्ट्रेन है जिसमें मिथियोनाइन बायोटिन के जीन तो है, लेकिन थायोनाइन ल्यूसीन और थायोनाइन के जीन नहीं है, ये म्यूटेट हो चुका है, और जब इसे हम मिनिमल कल्चर मीडियम में ग्रो करते हैं तो ये ग्रो नहीं हो पाते और ना ही नेसेसरी विटामिन का सिंथेसिस कर पाते हैं। तो इसको ग्रो करने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा, एक्सटर्नल मीडियम से क्या देना पड़ेगा, थायोनाइन, ल्यूसीन एंड कौन सा, थायोनाइन, ठीक है, एडेड एक्सटर्नल, ठीक है, क्योंकि इसके जीन है, इन तीनों के नहीं है,
तो बेटा विटामिन सिंथेसिस के लिए तीनों का जीन जरूरी है, तो तीनों के जीन नहीं है तो कहां से, तो ये हमको बाहर से देना पड़ेगा। उसी प्रकार ये भी जो है ठीक है, कान ग्रो इन, इसमें मिनिमल कल्चर मीडियम, ये भी मिनिमल कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं कर सकते, और ये भी कांट सिंथेसाइजेस कैविटी नेसेसरी विटामिन्स, ये भी नहीं बना पाए। ठीक है, टिल तब तक यहां पर ऐसे करें, बट वे कौन कौन से मीथियोनाइन एंड बायोटिन एडेड, कैसे एड करना है, एक्सटर्नली इन कल्चर मीडियम, अगर हम बाहर से मीथियोनाइन और बायोटिन एड करते हैं तो क्या होगा, सिंथेसाइजेस कैविटी विटामिन का सिंथेसिस करे। ठीक, ये क्या है, ये म्यूटेटेड स्ट्रेन कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं करेगा, विटामिन नहीं बनाएगा, क्योंकि इन तीनों का जीन नहीं है, इसलिए ये तभी ग्रो करेगा जब हम कल्चर मीडियम में बाहर से थ्रायोनाइन ल्यूसिन और थ्रायोनाइन ऐड करें, यही भी इसका है। ठीक है, ये मिनिमल कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं कर पाए क्योंकि इसमें मिथियोनाइन और बायोटिन के जीन नहीं है, ये तभी कल्चर मीडियम में ग्रो करेगा जब हम बाहर से उस कल्चर मीडियम में थ्रायोनाइन सॉरी मिथियोनाइन और बायोटिन ऐड करेंगे। हमको मालूम बेटे जो नेचुरल स्ट्रेन है उसे क्या बोलते हैं, प्रोटोट्रॉप्स कहती है। ठीक है, और जो म्यूटेटेड, समझ रहे, म्यूटेटेड स्ट्रेन है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सोट्रॉप्स कहते हैं। ये ध्यान रखें, तो ये दोनों ऑक्सोट्रॉप है जबकि ये इकोलाई शुरू में लिए वो म्यूटेटेड, लेकिन जब इन दोनों को, दोनों म्यूटेटेड स्ट्रेन को एक साथ कल्चर मीडियम में ग्रो करते हैं, समझ रहे, तो नेसेसरी विटामिन और एंजाइम का सिंथेसिस होते हैं, यही पर ध्यान रखना बेटे। बट वे क्या बोले, बोथ स्ट्रेन ग्रो, कैसे बेटे, ग्रोन टूगेदर, जब दोनों को मिलाकर ग्रोन टूगेदर इन, किसमें, मिनिमल कल्चर मीडियम, जब भाई अकेले अकेले ग्रो कर रहे थे ग्रो नहीं कर पा रहा क्योंकि दोनों में डेफिशिएंसी जीन की, लेकिन जब दोनों को मिलाकर एक साथ कल्चर मीडियम में ग्रो करते हैं ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, ग्रो इजिली एंड सिंथेसाइजेस, क्या बेटे, नेसेसरी विटामिन्स, समझ रहे। लेकिन हुआ क्या है, यहां पर बेटे ये एक बैक्टीरिया लेती है, जगह है ठीक है भाई, यहां पर देखे, यहीं से शुरू करें, ये ए स्ट्रेन है और दूसरा है बी स्ट्रेन है, ये है और ये है, इसमें क्या है, ये लिखिए, इसमें मेट पॉजिटिव और बायो पॉजिटिव है, लेकिन थ्रायो निगेटिव, ल्यूसिन निगेटिव और थायो निगेटिव, यहां पर क्या है, मेट निगेटिव और बायो निगेटिव है,
लेकिन थ्रायो पॉजिटिव, लियो पॉजिटिव और थायो पॉजिटिव, ठीक है, इनमें क्या होता है बेटे, कंजुगेशन होता है, कंजुगेशन होता है। कैसे, ये एक बैक्टीरिया है, ए है, ए स्ट्रेन है, ठीक, ये ए स्ट्रेलिया इस पर और इधर बी स्ट्रेलिया, ठीक है, ये दूसरा है। तो इन दोनों के बीच क्या बनता है, ये कंजुगेशन ट्यूब बनता है। दिस इज व्हाट, दिस इज द कंजुगेशन ट्यूब है। ए स्ट्रेन यानी प्लस मेल बैक्टीरिया, प्लस या मेल, और बी स्ट्रेन यानी माइनस या फीमेल बैक्टीरिया। तो इनके जो जेनेटिक मटेरियल है, ये इनके जेनेटिक मटेरियल, और माइनस स्ट्रेन को हम ब्लू से करें, ये इनका ब्लू है। तो एक चीज हो गई बेटे, इनके जेनेटिक मटेरियल यहां से इधर ट्रांसफर होता है, जेनेटिक मटेरियल प्लस से माइनस में, डोनर प्लस होता है, रिसिपिएंट माइनस होता है, ये डोनर बैक्टीरिया है, ये रिसिपिएंट बैक्टीरिया। तो यहां से के कौन से जीन, ट्रांसफर होता है। और अब जो नया बनेगा, ये जो बैक्टीरिया है, ये लीजिए, ठीक है, तो इसमें अपना भी जीन होगा और उसके साथ साथ ये किसका है, ट्रायो, ठीक है, सॉरी, पहला वाला मेड बाय वाला है ना, तो प्लस स्ट्रेन से माइनस में गया, तो ये लीजिए और ये यहां। तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि यहां से मेट प्लस और बायो प्लस, इन दोनों के जीन इसमें ट्रांसफर, समझ रहे भाई। यहां से देखो, मेट पॉजिटिव बायो पॉजिटिव है, यहां पर मेट मेट बायो दोनों निगेटिव है, मेल में ये दोनों पॉजिटिव है, फीमेल में दोनों निगेटिव है, तो मेल बैक्टीरिया से फीमेल में गया है, तो ये मेट और बायो इसमें आ गया, तो मेट बायो इसमें आ गया, तो अब ये क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा मेट प्लस बायो प्लस थ्रायो प्लस ल्यू प्लस और थायो प्लस हो गया। यानी पांचों जो विटामिन है या एंजाइम है उसके जीन यहां पर मौजूद है, ठीक है, और ये प्रूव करता है कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है। यानी अब ये बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है, के सिंथेसाइज, ठीक है, नेसेसरी विटामिन एंड एंजाइम्स, क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।